हेलो एवरीवन, पूनम सुखरी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाने वाले हैं हेल्दी वर्जन ऑफ चॉकलेट केक। हाँ, आज हम लोग इस केक को बनाने के लिए केले का यूज़ करेंगे और चीनी की जगह पे गुड़ का यूज़ करेंगे। जनरली कभी कभी बच्चों को बहुत ज़्यादा केक खाने का मन करने लगता है एंड बाहर का केक देने से अच्छा है हम लोग घर पर ये हेल्दी वर्जन केक बनाकर उनको दे, जो कि उनकी बॉडी को नुकसान भी नहीं करेगा और वो खुशी खुशी इस केक को खा भी लेंगे। केक है हमारा पूरा सॉफ्ट और मॉइस्ट और पूरा अंदर से चॉकलेटी, ऊपर भी बहुत सारे चॉकलेट डाले हैं, तो और हमें क्या चाहिए। इस वीडियो को आज मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाला कमेंट आया था और आप लोग भी इसी तरह से सजेस्ट करके जाओ रेसिपीज़, मैं आप लोग के भी कमेंट को लूँगी और इसी तरह से रेसिपीज ट्राई करूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और चलो केक को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया ये दो बनानास। अगर आप छोटे साइज़ का बनाना का यूज़ करोगे तो चार केला लेना, ठीक है। अभी ना इसको हमें छीलना है और फिर एक मिक्सी जार ले लेना है और इसमें ना कट करके इसको ऐड करते जाना है। अभी देखो, बनाना डालने से ना ये केक बहुत ही हेल्दी हो जाएगा और इसमें हम लोग कोई भी अनहेल्दी इन्ग्रीडियंट का यूज़ नहीं करने वाले, तो बस देखते जाओ किस तरह से केक हम लोग बना रहे हैं। तो बस यहाँ पर देखो, मैंने बनानास को कट करके ऐड कर दिया मिक्सी जार में और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप गुड़ है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद 1/4 कप ही हम लोग इसमें डाल देंगे दूध जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है और फिर हम लोग मेजर करके इसमें 2 चम्मच जितना डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जगह पर चाहो तो मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हो। अभी ना इन सब चीज़ों को एकदम अच्छे से ब्लेंड कर ले रहे हैं हम लोगों को। इसमें ना कोई भी बनानास के चंक नहीं रहने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, एकदम इस तरह से स्मूथ होगा, देख लो। तो मैंने इसको तो पहले एक बार अच्छे से ब्लेंड करके रख लिया है, अब इसमें हम लोग बाकी के चीज़ों को ऐड करते हैं। तो इसी सेम मिक्सी जार में हम लोग ऐड करेंगे 1/2 कप आटा। अभी देखो, हेल्दी केक बना रहे हैं तो पूरा अच्छे से हेल्दी बनाएंगे, इसलिए आटा का यूज़ किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच इसमें डाला है मिल्क पाउडर जो कि ऑप्शनल है। फिर इसमें डाला है हमने कोकोआ पाउडर, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कोकोआ पाउडर ऐड कर दिया है। चॉकलेट केक बना रहे हैं इसलिए। इसके बाद इसमें 1 पिंच नमक डालेंगे, फिर 1/4 टीस्पून डालेंगे सिनेमन पाउडर। दालचीनी के पाउडर से इसका टेस्ट गजब आता है, तो इसको ज़रूर से ऐड करना। 1/4 कप इसमें जाएगा हमारा दही जो कि फ्रेश होगा और एकदम रूम टेम्परेचर वाला दही का यूज़ करना। फिर इसमें हम लोग और भी डाल देंगे थोड़ा सा दूध 3 चम्मच जितना और फिर अब इन सब चीज़ों को हमें एकदम अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो बीच में दूध भी ऐड कर लेना, ठीक है। लेकिन देखो, मेरा तो बैटर एकदम परफेक्ट बना है इस कंसिस्टेंसी का। मुझे ना इसमें थोड़ा सा चॉकलेट का कलर कम लग रहा था इसलिए मैंने बाद में और 2 चम्मच कोको पाउडर ऐड किया है, ठीक है। अब ना इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। बैटर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो सेमी थिक कंसिस्टेंसी का बैटर रखना। बस अभी ना इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखो और अब ना हम लोग यहाँ पर ले लेंगे एक मिक्सी जार और इसमें ना मैंने मूंगफली को पहले से छील कर रखा हुआ है। देखो यार, रोस्टेड मूंगफली है जिसको मैंने अच्छे से छील लिया है। इसको ना इस मिक्सी जार में हमें ऐड करना है और इसको ना हल्का सा दरदरा हमें ब्लेंड कर लेना है। फाइन नहीं करना है, हल्का दरदरा रखना है, मतलब चंक्स रहेंगे मूंगफली के, ठीक है ना। तो ये देखो, ये एकदम रेडी हो गया है। अब ना ये वाला जो हमने पाउडर बनाया है ये ना इसको अपने बैटर में ऐड करेंगे। इससे क्या गजब का क्रंच मिलता है ना केक को, वो टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। तो 2 चम्मच मूंगफली का पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं और 1/4 टीस्पून इसमें डाल रहे हैं बेकिंग सोडा और फिर इसके ऊपर से हम लोग डालेंगे 1/2 चम्मच विनेगर। बस अभी ना इन सब चीज़ों को हम लोगों को धीरे धीरे से बैटर में मिक्स करते जाना है। हड़बड़ी मत करना और ओवर मिक्स मत करना बैटर को। अभी देखो, मुझे ना एक कमेंट आया था कि ना केक कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता है, केक में हम लोग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ऑयल वगैरह डालते हैं तो कितना भी कर लो केक हेल्दी नहीं होगा। बट यार, हम लोग जितना से ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना केक को हेल्दी बनाने का मैंने यहाँ पे कोशिश किया है। अगर वो मुझे कमेंट मिला ना तो मैं उसको एज ए स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। बस अभी ना यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा डार्क चॉकलेट, मतलब ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है और फिर इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया इस तरह से और फिर बैटर में ही ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। इससे ना टेस्ट बहुत ही मस्त आएगा और बहुत ही चॉकलेटी लगेगा हमें हमारा केक, ठीक है ना। देखो, मैंने केक को ना हेल्दी रखने का कोशिश किया बट कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसको अनहेल्दी बना देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑयल और चॉकलेट्स इसमें थोड़ा सा अनहेल्दी यूज़ किया है, बस बाकी सब कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट है, तो इतना तो चलता है यार। तो मैंने यहाँ पर देखो बैटर अपना रेडी कर लिया है, कंसिस्टेंसी हल्का सा थिक है। बस अब ना यहाँ पर केक टिन को आज हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, एल्युमिनियम वाला ये जो कंटेनर है इसमें आज हम केक टिन को, सॉरी, केक को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना देखो, मुझे कमेंट भी आया था कि इस वाले एल्युमिनियम के कंटेनर में बहुत कुछ बनाकर दिखाओ, तो मैं इसलिए बना रही हूँ। बहुत लोगों के पास केक टिन अवेलेबल नहीं होता है इसलिए। अभी देखो, इसको मैंने अच्छे से फिल कर दिया है 3/4 जितना। ऊपर से थोड़ा सा हम लोग डाल देंगे डार्क कंपाउंड चॉकलेट और थोड़ा सा मूंगफली वाला पाउडर जो था बचा हुआ वो डाल देंगे। थोड़ा सा टैप कर लेंगे और अपने प्री हीटेड बर्तन में इसको ऐड कर देंगे। हाँ, मेरा ना थोड़ा सा बैटर बच गया है, तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह के पेपर कप वाला जो मोल्ड आता है ना उसमें मैंने
जो बचा कुचा जितना भी बैटर है वो सब इसमें ऐड कर दिया। ऊपर से इसमें भी मैंने थोड़ा सा डार्क कंपाउंड चॉकलेट और थोड़ा सा मूंगफली जो हमने ब्लेंड करके रखा हुआ था वो इसके ऊपर से डाल दिया है। बस अभी ना मैंने बर्तन को मतलब एक पतीले में स्टैंड रखकर पहले ही उसको प्रीहीट कर लिया था। ये प्रोसीड्योर ना मैंने नहीं दिखाया, हर वीडियो में दिखाती हूँ इसीलिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है शायद आप लोगों के लिए, इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। 10 मिनट पहले प्रीहीट होने के लिए इसको रख दिया था। अब अपना एल्यूमिनियम वाला कंटेनर और ये पेपर कप डाल दो और फिर इसको ढक दो और फिर बेक होने के लिए छोड़ देना, ठीक है। बेक होने में ना लगभग आपका लग जाएगा 30 मिनट तक, मतलब 25 मिनट के बाद आप एक बार चेक करना। अगर 25 मिनट के बाद नहीं बनता है तो फिर 5 मिनट के लिए और भी ढककर छोड़ना। तो मैंने ना देखो यार इसको 25 मिनट के बाद एक बार ओपन करके चेक किया था, तो जब मैंने इसको चेक किया ना ये जो टूथपिक है इसमें हमारा यहाँ पर बैटर लग रहा था, तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए और भी छोड़ा था। मैंने दोनों को ही चेक किया था, इसके बाद मैंने इसको और 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ा था और फिर जब चेक किया था तो मेरा केक बिल्कुल बन गया था, टूथपिक मेरा क्लीन निकल रहा था। तो वो स्टेप मैंने आपको नहीं दिखाया बट हमारा केक बिल्कुल बन गया था, तो मैंने गैस फ्लेम को बंद कर दिया था और इसको बाहर निकाल लिया था। फिर हमने केक को एकदम अच्छे से ठंडा होने दिया है और ढक कर इसको 1 घंटे तक अच्छे से ठंडा होने देना। जब हमारा केक अच्छे से ठंडा हो जाए तो फिर हम लोग इसको इस तरह से बहुत ही ईजिली कट कर लेंगे और डीमोल्ड वीमोल्ड ऐसे मतलब डीमोल्ड करने का इसमें कोई ज़्यादा झमेला नहीं होता है, बस कट करके एल्यूमिनियम कंटेनर को हटा दो और बस ये आराम से डीमोल्ड हो जाएगा। और पेपर कप वाला में भी सेम प्रोसेस है, उसको कट करके निकाल देना। बस अभी देखो मैं आपको केक को ना अंदर से कट करके दिखा रही हूँ, ये कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है और आप पूरा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये देख लो आप कितना मस्त तरह से टूट रहा है, अंदर से पूरा चॉकलेटी है और ना बहुत मस्त लगेगा। आप एक बार ट्राई करके देखो और इसका टेस्ट लगेगा ही नहीं आपको खाकर कि यार हमने इसमें बनाना ऐड किया है। बस अभी ना हमारा केक तो बिल्कुल डन हो गया, आप इस केक को ज़रूर से ट्राई करना। ट्राई करोगे तो आखिर नीचे कमेंट करके जाना कि कैसा बना है। वैसे अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ अगर रेसिपी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो कमेंट में ज़रूर आकर बताना। मुझे पर्सनली ये केक बहुत पसंद आया है एंड आई विल रिकमेंड कि आप लोग भी इस तरह के हेल्दी केक्स को ट्राई करो रैदर देन वो मैदा और चीनी वाला केक्स। सो इस केक को ज़रूर से ट्राई करना। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।